चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उपचुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस खेमों में बटी हुई है, ऐसे में कांग्रेस का जीतना मुमकिन नहीं है, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। मंत्री से खास बातचीत की संवाददाता प्रहलाद सेन ने। मध्यप्रदेश में उपचुनाव का संग्राम तेज है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद हैं। तुलसी जी, बेहद महत्वपूर्ण इस इलेक्शन को माना जा रहा है और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार जनता उनके साथ है, चाहे वो महंगाई का मसला हो या बेरोजगारी का मसला हो, इन सब विषयों को लेकर वो जनता के बीच है और उसे उम्मीद है कि इस बार जनता उसके पक्ष में मतदान करेगी। आप जानते हैं कांग्रेस समूह में बटी है, एक कांग्रेस तो दिग्विजय सिंह की, एक कांग्रेस कमलनाथ जी की, एक कांग्रेस राहुल भैया की, एक कांग्रेस अरुण यादव की। कांग्रेस पहले अपना घर संभाले फिर मध्य प्रदेश संभालने की बात करें। जब पहले 2018 में जब संभालने जब तो नहीं संभाल पाई, अब भारतीय जनता पार्टी एक संगठित होकर एक संगठन है और जब से मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बागडोर संभाली है और राज की बागडोर हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है, ये चुनाव सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और खंडवा संसदीय क्षेत्र लोकसभा लगभग 5 लाख से हम जीतेंगे। कितने लाख से? 5 लाख लिख लो, 5 लाख की बात कर रहा हूँ। मंत्री जी, पेट्रोल जिस तरीके से हाइक हो रही है 113 तक, एक बात सुनो, आप जानते हैं कि संकट है कोविड का, आप जानते हो ये संकट कोरोना का कोविड का मध्य प्रदेश नहीं राष्ट्र नहीं पूरे विश्व के अंदर है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ा है। पहली सुरक्षा हमारे देश के प्रधानमंत्री के पहला उनका संकल्प यह था, पहले हम टीकाकरण और वैक्सीन लगाए। बिल्कुल, तो ये थे प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जिनका कहना है कि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी अपना परचम लहराएगी। यहाँ तक कि उन्होंने खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव में ये दावा किया है कि बीजेपी तकरीबन 5 लाख वोटों से जीत हासिल करेगी। कैमरामैन करण वासी के साथ प्रहलाद से।